नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पार्ट फोर ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड फॉर कैट 2019, ये चौथा पार्ट है। तीन पार्ट इससे पहले मैं कवर कर चुका हूं, तो इसमें तीन क्वेश्चंस मैं देखूंगा फ्रेंड्स। तो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं आपके लेके आया हूं हर्षित द्विवेदी। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक नीचे दे रखा है। ये वीडियो हिंदी में है, अगर आप इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं उसका लिंक भी नीचे दिया हुआ है। तो बिना टाइम स्टार्ट किए हुए यहाँ पे हम लोग शुरू कर देते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम दे रखी हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। तो पहले ही बता रखा है कि ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये एक पैरेललोग्राम है। अब सवाल ये आता है फ्रेंड्स कि पैरेललोग्राम क्या होता है। अभी इस तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज है, स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज है, आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की क्या प्रॉपर्टीज हैं, ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टीज हैं, रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज हैं। ये सब आपको मालूम होना चाहिए जब भी आप क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड सवालों को सॉल्व कर रहे हो। तो मेरी जो मैथ्स की जो प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में आपको ज्योमेट्री की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट को भी देखिएगा फ्रेंड्स। x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स भी अप्लाई होंगे। तो एक बेसिक अमाउंट ऑफ जो स्टडी है बैकग्राउंड की होनी चाहिए, तभी आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि मैं ये वीडियोस बना रहा हूं, तो इससे पहले मैंने इनके बेसिक्स को कवर कर रखा है अपनी वीडियोस में। मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स में भरोसा नहीं रखता, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक्स से सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते, बेसिक्स आने चाहिए। तो पैरेललोग्राम के बारे में आप ये की समझ लीजिए कि ये एक ऐसा फिगर है जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, पैरेलल होंगे। जैसे कि एक फिगर मैंने आपके सामने ये बनाया, ठीक है। तो इसमें, इस फिगर में, आई एम रियली सॉरी अगर ये स्केल पे नहीं बना, अगर मैं इसको बोलूं ए बी सी डी, अगर मैं बोलूं ये पैरेललोग्राम है, तो ये जो ए डी है ये बी सी के बराबर होगा लेंथ में, और यही ए डी आपका बी सी के पैरेलल भी होगा। सिमिलरली ये जो ए बी है वो CD के बराबर होगा लेंथ में, और ये जो AB है ये CD के पैरेलल भी होगा। तो ये होता है पैरेललोग्राम फ्रेंड्स। अब पैरेललोग्राम है तो इससे एक और नेचुरल प्रॉपर्टी निकल के आती है, जो कि मैं अपनी पहले की वीडियोस में प्रूव भी कर चुका हूं। ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, यानी अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे, इस सवाल का जवाब आपको पहले क्वाड्रिलेटरल वाली वीडियोस में मिल जाएगा, ठीक है। ये एक पैरेललोग्राम है। अब पैरेललोग्राम ये भी एक पैरेललोग्राम हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। पी क्यू आर एस, ठीक है। तो यहां पे पी एस विल बी इक्वल टू क्यू आर एंड पी एस विल बी पैरेलल टू क्यू आर, पी क्यू विल बी इक्वल टू आर एस एंड पी क्यू विल बी पैरेलल टू आर एस। तो ये होता है आपका पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स आपकी इक्वल होंगी, पैरेलल होंगी, अपोजिट एंगल्स भी आपके इक्वल हो जाएंगे। तो पहले बता दिया गया है कि ये जो x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 आपको दिया गया है, ये एक डायगोनल है पैरेललोग्राम की, और उसी पैरेललोग्राम की दूसरी डायगोनल है 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। अब पता करना है कि भाई ये जो पैरेललोग्राम है ये एक रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है या इनमें से कुछ भी नहीं है। तो भैया पहले तो आप x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 का निकालिए स्लोप। तो स्लोप में क्या करते हैं, निगेटिव, फिर ऊपर आप लिखोगे कॉफिशियंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पे कॉफिशियंट ऑफ एक्स तो 1 है, और डिनोमिनेटर में लिखोगे कॉफिशियंट ऑफ वाई जो कि है 3। तो इस x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 यानी इस डायगोनल का जो स्लोप निकल के आया, इसको आप m1 मान लो, वो निकल के आया -1/3। सिमिलरली 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, इसका अगर आपको स्लोप निकालना है तो बाहर आपने लिखा निगेटिव, कॉफिशियंट ऑफ एक्स तो आपने लिख दिया 6, और नीचे लिखा कॉफिशियंट ऑफ वाई जो कि है -2, तो ये निकल के आ जाएगा +3, इसको आप मान लो m2। तो जो दूसरी डायगोनल है इसका स्लोप निकल के आया आपका +3। तो पहली डायगोनल का स्लोप निकल के आया -1/3, दूसरी डायगोनल का स्लोप निकल के आया 3। अब यहां पे एक प्रॉपर्टी होती है स्लोप्स में, जब भी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हो, कि अगर दो लाइंस का जो स्लोप है उसका प्रोडक्ट अगर आपका आ रहा है -1, तो वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। ये प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर ये प्रॉपर्टी आपको आती है तो यहां पर आप क्या करोगे, ये एक -1/3 है, दूसरा +3 है, तो -1/3 को जैसे आप +3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आपको दे देगा -1, यानी m1 m2 इज इक्वल टू -1, यानी ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक प्रॉपर्टी है जिसको मैंने अपनी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले वीडियोस में प्रॉपरली प्रूव किया है, तो वहां पर जाके इसको देखिएगा। अब सवाल ये आया कि भाई ये जो दो लाइनें हैं ये आपस में 90 डिग्री के एंगल में हैं, तो क्या ये पैरेललोग्राम 100% रेक्टेंगल होगा?
जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल के डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटें। क्या स्क्वायर के डायगनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं? आप देख लो यहां पे स्क्वायर, तो स्क्वायर बनाया मैंने फ्रेंड्स यहां पे, ठीक है। अब स्क्वायर के आप दो डायगनल्स बना दो, तो ये तो 90 डिग्री था, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। पर ये क्या ये कन्फर्म स्क्वायर होगा? क्या ये जो दो डायगनल्स बन रहे हैं क्या ये कन्फर्म स्क्वायर बनाएंगे, यानी वो जो पैरेललोग्राम है क्या ये कन्फर्म स्क्वायर है? तो देखिए फ्रेंड्स यहां पे क्या है ना, यहां पे इंडिविजुअली आपको प्रॉपर्टीज चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर तो आपने मेरी क्वाड्रिलेटरल वाली वीडियोस देखी तो आप यहां पे कन्फर्म बोल सकते हैं कि ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल होगा ये एक रॉम्बस होगा। आंसर इसका नन ऑफ दीस। रॉम्बस क्यों होगा? क्योंकि रॉम्बस पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस होता है, ठीक है। पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई वो रॉम्बस में तो एप्लीकेबल होंगी ही। प्लस रॉम्बस की एक खास बात होती है कि जब आप पैरेललोग्राम की सारे साइड्स को कर देते हैं बराबर, ठीक है, तो वो बन जाता है आपका रॉम्बस। यानी पैरेललोग्राम की अगर आपने सारी साइड्स को बराबर कर दिया तो वो आपका बन जाता है रॉम्बस। और जैसे ही पैरेललोग्राम की सारी साइड्स बराबर हुई, वहां पे एक प्रॉपर्टी आपके सामने ये निकल के आएगी कि उनके डायगनल्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेंगे। इसलिए यहां पे जो आपका ये जो पैरेललोग्राम है जिसके जो दो डायगनल्स हैं ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यानी जो पक्का पैरेललोग्राम है ये एक रॉम्बस होगा। इसलिए आपका ऑप्शन होगा 4, नन ऑफ दीस, ठीक है। यहाँ पे नन ऑफ दिस मैंने जबरदस्ती कंफ्यूज करने के लिए डाला है, आपको एग्जाम में नॉर्मली रॉम्बस ही दिया होगा चौथे ऑप्शन में, ठीक है। प्रॉपर्टीज आप समझ सकते हैं, यहाँ पे याद रखनी जरूरी है। फिर यहाँ राम और श्याम की बात हो रही है फ्रेंड्स। राम और श्याम ने कुकर खरीदा है और एक ही प्राइस पे खरीदा है, यानी उनकी कॉस्ट प्राइस सेम है। फिर उन्होंने अपने कुकर को सेम अमाउंट से मार्कअप किया है, यानी उनकी मार्क प्राइस, फाइनल मार्क प्राइस जिसपे मार्क करके वो इस चीज को बेच रहे हैं वो भी सेम है, लेकिन वो अपनी मार्क प्राइस पे कुछ डिस्काउंट दे रहे हैं। श्याम जो अपनी मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दे रहा है वो पहले 200 रुपए ऑफ कर रहा है और उसके बाद जो बची हुई प्राइस है उस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है। वही राम जब इस कुकर को बेच रहा है ना तो उतने ही सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है पर रिवर्स ऑर्डर में, यानी राम पहले अपनी मार्क प्राइस को 20% पे डिस्काउंट देगा और फिर उसमें से 200 रुपए कम करेगा। तो ऐसा करने पे हो क्या रहा है कि प्रॉफिट यहां पे श्याम ने कमाया उतना ही लॉस राम ने किया। तो यहां पे ये श्याम नहीं राम है फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो जितना प्रॉफिट आपका श्याम को हुआ है उतना ही लॉस राम को हुआ है, तो श्याम को प्रॉफिट कितना हुआ है ये सवाल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप कॉस्ट प्राइस को कर लो एज्यूम फ्रेंड्स। तो आप मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस आपकी है सी और मार्क्ड प्राइस आपकी है पी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस है ये, मार्क्ड प्राइस है, सामने लिख लीजिए इसको ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। और ये सी को आपने मान लिया कॉस्ट प्राइस, तो सी हो गई आपकी कॉस्ट प्राइस, मार्क्ड प्राइस हो गई पी, और ये दोनों के लिए सेम है। अब इसके बाद आपको इक्वेशंस बनानी है फ्रेंड्स। तो श्याम ने कुकर को बेचा दो सक्सेसिव डिस्काउंट्स के बाद, पहले उसने 200 रुपए का डिस्काउंट दिया और फिर उसने 20% का डिस्काउंट दिया। तो फाइनली जो मार्क प्राइस है पी, श्याम की सेलिंग प्राइस निकालते हैं हम लोग। तो श्याम की सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी? मार्क प्राइस है आपकी पी, पी पे पहले उसने दिया भाई 200 रुपए का डिस्काउंट, ठीक है। तो पी माइनस 200 किया आपने और उसके बाद उसने इस प्राइस पे 20% का और डिस्काउंट दिया, तो फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 80/100। तो P माइनस 200 इज इक्वल टू इनटू 80/100, P माइनस 200 इनटू 80/100, ये हो गई श्याम की फाइनल सेलिंग प्राइस। वहीं पे अगर हम राम की फाइनल सेलिंग प्राइस देखें तो राम के लिए भी मार्क प्राइस थी P, ठीक है, और उसने क्या किया कि उसने इन डिस्काउंट्स को रिवर्स ऑर्डर में दिया। तो उसने पहले 20% का डिस्काउंट दिया, तो एक डिस्काउंट के बाद उसकी क्रॉस कितनी होगी? 80 पी इनटू 80/100, उसके बाद उसने 200 रुपए का डिस्काउंट दिया तो माइनस 200 कर दिया। तो राम के लिए फाइनल सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आई? 80p/100 माइनस 200। श्याम के लिए जो फाइनल सेलिंग प्राइस निकल के आई वो होगी पी माइनस 200 इनटू 80/100। अब यहां पे बोल रहा है कि भैया श्याम को फायदा हुआ है, राम को घाटा हुआ है। श्याम को अगर फायदा हुआ है तो श्याम की जो सेलिंग प्राइस है वो इस सी से ज्यादा होगी। कितना ज्यादा होगी? जितना उसको फायदा हुआ है। और वहीं अगर राम को घाटा हुआ है तो राम की जो सेलिंग प्राइस है वो इस सी से कम होगी। कितना कम होगी? जितने का फायदा श्याम को हो रहा है। तो उसकी एक इक्वेशन बना लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है एक्स रुपीज का, ठीक है।
तो ये हो रहा है प्रॉफिट। तो जो लॉस होगा वो भी एक्स रुपीज का होगा, क्योंकि शाम को जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही राम को लॉस हो रहा है। तो ये एक्स कितना हो जाएगा, श्याम के केस में ये एक्स हो जाएगा, आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, पी माइनस 200 इंटू 80/100 माइनस सी इज इक्वल टू एक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया आपका श्याम के केस में, चूंकि श्याम कमा रहा है, आप श्याम आपका प्रॉफिट कर रहा है, राम आपका नुकसान कर रहा है। तो अगर राम नुकसान कर रहा है तो राम की कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगी, और राम की सेलिंग प्राइस कितनी निकल के आ रही, तो आ रही 80p/100 माइनस 200, तो ये हो जाएगा 80p/100 माइनस 200, ये निकल के आ रही है आपकी एक्स। तो ये है आपका लॉस, ओके, और ये है आपका प्रॉफिट। ये दो इक्वेशन आपको नजर आ रही है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आप दोनों इक्वेशंस को दीजिए जोड़, इक्वेशन नंबर 1 को आप इक्वेशन नंबर 2 से जोड़ दीजिए। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 पे जोड़ देंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको मिल जाएगा 2x। यहां पे आपको क्या मिलेगा, ये c आपका इस c से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये p जब आपका 80/100 से मल्टीप्लाई होगा तो 80p/100 होगा, और यहीं पे इस ब्रैकेट में जब ये माइनस आपका 80p/100 से मल्टीप्लाई होगा तो -80p/100 मिलेगा। तो ये ऊपर श्याम वाले का 80p/100 नीचे वाले श्याम वाले के 80p/100 को माइनस माइनस कर देगा। यहां पे क्या है, -200 × 80/100, तो ये 200 100 से डिवाइड करके कितना देगा 2, और 2 × 80 कितना देगा -160, तो ये हो जाएगा -160। प्लस नीचे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -200 हो जाएगा प्लस ऑफ 200, तो फाइनली आपको मिलेगा 2x = 40 और x आपको मिल जाएगा 20, और यही x आपका प्रॉफिट है श्याम के केस में, और यही x है आपका लॉस राम के केस में। तो पूछा है कि भैया श्याम का प्रॉफिट कितना है, तो श्याम का प्रॉफिट निकल के आया 20 रुपए। अगर वो यही पूछ देता कि राम का लॉस कितना है, तो राम का लॉस भी होता 20 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि एक्वेस अल्कोहल का सॉल्यूशन है, यानी अल्कोहल और वाटर दोनों है, कितना कितना है ये हमको देखना पड़ेगा। तो अल्कोहल और वाटर यहाँ पे दोनों है, 7:3 का सॉल्यूशन है इनिशियली, यानी 70% आपका अल्कोहल है और 30% आपका वाटर है। तो 70% अल्कोहल है और 30% आपका वाटर है। अब ये कहा गया कि भैया आपने इस सॉल्यूशन का कुछ पार्ट निकाला और उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, जिससे हुआ ये, अब ऑब्वियस बात है आपने जितना उस सॉल्यूशन का पार्ट निकाला और उसको आपने रिप्लेस किससे किया, वाटर से रिप्लेस किया। यहां पे समझ लीजिए कि आपने कुछ सॉल्यूशन का पार्ट निकाला, उसको वाटर से रिप्लेस किया, जिसकी वजह से अल्कोहल का जो परसेंटेज था वो 10 परसेंटेज पॉइंट कम हो गया। यानी कि ये जो आपके पास एक्वस सॉल्यूशन था, ये कितने लीटर्स था ये मुझे नहीं पता, हम मान लेते हैं एल लीटर्स था, ठीक है। तो इस एल लीटर्स में से आपने 10 लीटर सॉल्यूशन निकाल लिया और उसमें 10 लीटर पानी डाल दिया, जिसके चलते ये जो एक्वस एल्कोहल है ये 70% से 60% पे आ गया। बोला ना 10 परसेंटेज पॉइंट कम हुआ है। तो बोला सवाल ये कहता है कि इस इनिशियल सॉल्यूशन में 7:3 वाले सॉल्यूशन में हम कितना पानी जोड़ दें जिससे जो नया सॉल्यूशन बने उसमें 50% अल्कोहल हो और 50% पानी हो। ये सवाल हमसे पूछा गया। फिर से बोल रहा हूं, ये जो इनिशियल सॉल्यूशन था 7:3 वाला, इसमें हम कितना पानी जोड़ दें जिससे हमको जो फाइनल सॉल्यूशन मिले उसमें 50% अल्कोहल हो और 50% पानी हो, ये सवाल हमसे पूछ रहा है। तो यहां पे देखिए, इनिशियली जो कंसेंट्रेशन था वो 70%, उसको आप फ्रैक्शन फॉर्म में ऐसे ले सकते हो। परसेंटेज इक्विवेलेंट और फ्रैक्शन इक्विवेलेंट के बारे में मैंने अपनी परसेंटेज वीडियोस में ऑलरेडी बात की है, तो अगर आपको उसके बारे में नहीं पता है तो एक बार जाके मेरी परसेंटेज वाली वीडियोस को देखिए। अब ये जो 70/100 है, इसमें क्या हुआ है कि आपने कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस कितने किए हैं, तो भाई अगर हम फ्रैक्शन इक्विवेलेंट की बात करें तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट में अगर परसेंटेज 100% है तो ओवरऑल क्वांटिटी कितनी होगी, 1। इस 1 में से आप कितना माइनस करोगे, 10 लीटर का आपने एक्वस अल्कोहल का सॉल्यूशन निकाला है और टोटल लीटर्स आपने कितने एज्यूम किए हैं, एल। ये आपको कितना बना देगा, 60/100। समझने की कोशिश कीजिएगा फ्रेंड्स, ये 60/100 क्या है, 60% का परसेंटेज इक्विवेलेंट। चूंकि 10 लीटर एक्वस अल्कोहल को निकालने के बाद और पानी डालने के बाद हमको जो अल्कोहल परसेंटेज मिल रहा है वो 60% मिल रहा है, तो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 60/100। इनिशियली अल्कोहल का आपका फ्रैक्शन परसेंटेज परसेंटेज कितना था, 70%, फ्रैक्शन इक्विवेलेंट कितना था, 70/100। तो इसको अगर हम पूरा एक माने तो इसमें से 10 लीटर एक्वस अल्कोहल निकाला गया, तो 10 को आपने न्यूमरेटर में लिखा और डिनोमिनेटर में लिखा आपने कंप्लीट लीटर के सॉल्यूशन को, ठीक है। यहां पे इसको हम करते हैं सॉल्व, तो कुछ इस तरीके सॉल्व होगा, 1 - 10/L
इधर हो जाएगा 6 बटे 7, तो ये भैया 10 बाई एल बराबर हो जाएगा 1 बटे 7, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये एल आपका कितना निकल के आ जाएगा, 70 लीटर्स, यानी जो इनिशियल टोटल सॉल्यूशन था वो आपका 70 लीटर्स था। तो इनिशियल टोटल सॉल्यूशन था आपका 70 लीटर्स। अब देखिए फ्रेंड्स, बात ये है कि इनिशियल टोटल सॉल्यूशन 70 लीटर्स था, ठीक है। पूछा क्या गया है कि हाउ मेनी, अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, मैंने थोड़ी सी चीज यहां पे गलत बोल दी। क्वेश्चन ये बोल रहा है हाउ मेनी लीटर शुड बी एडेड टू दिस न्यू सॉल्यूशन, यानी ये जो अब 60% वाला सॉल्यूशन आया है इसमें हम कितना पानी जोड़ दें कि भाई जो अल्कोहल का सॉल्यूशन 50% जाए। शुरू मैंने 70% वाला बोल दिया, वो नहीं है। सवाल ये है कि भैया पहले 70% अल्कोहल था, 30% वाटर था, ठीक है, 10% एक्वस अल्कोहल को निकाल के आपने अल्कोहल 60% कर दिया, वाटर 40% कर दिया। अब हम इसमें कितना वाटर और डाल दें जिससे 50% अल्कोहल हो जाए, 50% वाटर हो जाए। तो देखिए 70 लीटर सॉल्यूशन है, 70 लीटर में 60% अल्कोहल है, तो 70 लीटर का 60% कितना हो जाएगा, 42 लीटर। तो इसमें अल्कोहल कितना है, 42 लीटर, ठीक है। इसमें पानी कितना है, पानी है आपका इसमें 28 लीटर, ठीक है। 60% वाला सॉल्यूशन ये है। करना क्या है हमको, इस 60% को लेके किस पे आना है, 50% पे लेके आना, 50% अल्कोहल पे लेके आना है, 50% अल्कोहल 50% वाटर, मतलब दोनों बराबर बराबर। अभी 42 लीटर अल्कोहल है, 28 लीटर वाटर है, तो कितना वाटर हम जोड़ दें, 14 लीटर हम वाटर और जोड़ते हैं। जैसे हम 14 लीटर वाटर जोड़ेंगे 42 लीटर अल्कोहल हो जाएगा, 42 लीटर पानी हो जाएगा, दोनों 50% हो जाएंगे। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 14 लीटर, ठीक है। न्यू सॉल्यूशन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तीनों जो सवाल है वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गए हो। समझ में आ गए हो फ्रेंड्स, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ को शेयर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें, और हो सके फ्रेंड्स तो अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे इस वीडियो को शेयर करें। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा व्यूज मुझे मिल पाएंगे, जिससे मुझे थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।